चिल्वाताल पुलिस ने अपहरण की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को नकहा ओवरब्रिज क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अरुण पुत्र राम स्वरूप निवासी घनसोलपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, दूसरा शिवम सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी पिपली जाट राजोपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर, तीसरा कपिल कुमार पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शिवम सिंह वादी मुकदमा का सगा भांजा है, जिसके पास कर्ज होने के कारण कर्ज चुकाने व पैसे के लालच में अपने साथियों कपिल व अरुण के साथ मिलकर वादी मुकदमा से अज्ञात नंबर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगा गया था तथा ना देने पर बेटी को किडनैप कर लेने की धमकी दिया गया था, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चिल्वाताल थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा, उप निरीक्षक अभय कुमार उपाध्याय, कांस्टेबल मनोज सोनकर, धर्मेंद्र यादव, दुर्गेश मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, थाना चिल्वाताल पर एक सरकारी कर्मचारी द्वारा कुछ दिन पूर्व एक सूचना दी गई थी कि उनके फ़ोन पर उनको डराने धमकाने और रंगदारी मांगने का फ़ोन आ रहा है। ये जो वादी है ये मूलतः बिजनौर के रहने वाले हैं और इनको शक था कि वहीं के किसी व्यक्ति द्वारा इनसे रंगदारी मांगी जा रही है और इनको इनको नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार इन अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इस घटना का भी सफल अनावरण हुआ है, जिसमें तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक अरुण पुत्र रामस्वरूप हैं, शिवम सिंह हैं और कपिल कुमार हैं। विशेष रूप से जो शिवम सिंह है वो वादी मुकदमा का भांजा है। किन्हीं कारणों से उसके ऊपर पैसे का काफ़ी कर्ज हो गया था। उसके द्वारा अपने दो अन्य साथियों को अपने मामा का नंबर देकर उनसे रंगदारी मांगने के लिए प्रेरित किया गया था। फ़ोन करने पर जब फ़ोन किया, रंगदारी के फ़ोन में जो वादी हैं उनकी बेटी को भी नुकसान पहुंचाने की बात आ रही थी, जिसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इन तीनों को अरेस्ट किया गया।